सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्ट वैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना, क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फेक्शन। सॉफ्ट वैक, रहो हल्के, जियो खुल के। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। नरोत्तम मिश्रा ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और उनको डर नहीं लगता। टू बी स्पेसिफिक, उनको कोरोना से डर नहीं लगता। 23 सितंबर को एक इवेंट था इंदौर शहर में, यहाँ कोरोना के 20,000 से भी ज्यादा मामले हैं। अपनी निडरता का परिचय देते हुए मंत्री जी पहुंच गए बिना मास्क लगाए। रिपोर्टर्स को लेकिन निडर मंत्री जी रास नहीं आए। पूछ लिया काहे मास्क नहीं लगाए हो, मंत्री जी निर्भीक बोले ऐसे कार्यक्रमों में मैं मास्क नहीं पहनता। इसमें क्या है, माने मास्क ही तो नहीं पहना, कौन सी आफत हो गई इसमें। लेकिन विपक्ष वाले पिल पड़े, विपक्ष ही नहीं जनता भी पिल पड़ी। उनकी निडरता पर सवाल पूछने लगी कि व्हाट इज दिस बिहेवियर मंत्री जी। वीडियो वायरल हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सालूजा ने ट्वीट किया, जिस प्रदेश में 1,00,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हों, 2,000 से अधिक मौतें हो चुकी हों, जहां जनता पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगता हो, वहां के गृह मंत्री कहते हैं मैं मास्क नहीं पहनता। इसके साथ ही उन्होंने अपना एक वीडियो भी डाला, इसमें कहा इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, 500 से अधिक मौतें कोरोना के कारण हो चुकी हैं, 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहां पर प्रदेश के गृह मंत्री कहें कि मैं मास्क नहीं पहनता तो इससे बड़ी हास्यास्पद गैर जिम्मेदाराना बात कुछ नहीं हो सकती। शिवराज जी कह चुके हैं कि कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, मास्क पहनना तो अनिवार्य है। उसके बाद भी गृह मंत्री जिन पर कानून व्यवस्था का जिम्मा है वो छाती ठोक कर कहते हैं कि मास्क नहीं पहनते, सीधे पीएम मोदी और सीएम को चुनौती दे रहे हैं। और फिर मंत्री जी को पीड़ा होने लगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा ने बाद में अपने बयान का बचाव किया, कहा कि वो आमतौर पर मास्क पहनते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं पहन पाते क्योंकि वो पॉलीपस से ग्रसित हैं और मास्क पहनने से उन्हें घुटन होती है। फिर उन्होंने ट्विटर पर भी माफी मांगी। मास्क पहनने के बारे में मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप नहीं था, मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूँ। मैं स्वयं भी मास्क पहनूंगा, समाज से भी अपील करूंगा कि सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। एक वीडियो भी पोस्ट किया अपना जिसमें लोगों से अपील की कि वो सभी कोरोना के सारे नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। ये भी कहा कि उन्होंने पहले मास्क को लेकर जो बयान दिया था उससे वो खुद पीड़ा में हैं। इससे पहले भी नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कोरोना बचाव के नियमों का पालन नहीं करने के आरोप लगते रहे हैं। जुलाई में भी कांग्रेस ने कहा था कि लोगों से मुलाकात करने के दौरान नरोत्तम मिश्रा न तो मास्क पहनते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी लालिमा ने, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दे, कहें कि क्या रहा है दूर तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में कटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात ये है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे, उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यू बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।